ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। कुछ वक्त से हमारे काम नहीं बन रहे हैं, कामों में बहुत रुकावटें, बहुत अड़चनें आ रही हैं। हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उन कार्यों में हमें सिद्धि नहीं मिल पा रही है। तो अगर आपको किसी भी काम को करने में सिद्धि नहीं मिल पा रही, आपका कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है किसी भी कारणवश, या बार बार उस कार्य में रुकावट आ रही है, चाहे वो व्यापार से जुड़ा हो, नौकरी से जुड़ा हो, घर से जुड़ा हो, जायदाद से जुड़ा हो, पारिवारिक जुड़ा हो, किसी भी तरह का जो आपको काम है, जिस काम को लेकर आप बहुत दिनों से परेशान हैं, बेचैन हैं, और आपको लगता है कि ये काम अगर हमारा बन जाए तो ईश्वर की कृपा से बहुत सारी चीज़ें लाइफ में बेहतर हो सकती हैं। ऐसी परिस्थितियों में हर एक जातक को कुछ ऐसे चमत्कारिक प्रयोग है जिन्हें अपनी लाइफ में अनिवार्य रूप से करना चाहिए, जिससे उन्हें बहुत 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 फ़ायदा मिल सकता है। अब कैसे करना है, क्या करना है, मैं आपको विस्तारपूर्वक इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ें, कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम लिखें। और अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना, तो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। उसका फीस और शुल्क लागू है। जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान पता होना आपको अनिवार्य है। जब कभी कोई काम नहीं बने तो उस काम का एक पत्र लिखें। पत्र लिखें कि हे ईश्वर, यह मेरा काम है, कृपया आप इसे पूर्ण करें। पत्र को लिखें और जो भी अपने घर के आसपास शिव मंदिर हो या कोई बड़ा मंदिर हो, वहाँ पर वो पत्र लिख दीजिएगा। उस पर अपना नाम ना लिखें, उसे गोपनीय रहे, तो सिर्फ अपनी जो भी विश है या जो भी आप चाहते हैं वो लिखित रूप से ईश्वर को अर्पित कर दें। जब आप लिखित रूप से ईश्वर को अर्पित करेंगे तो देखेंगे कि वो लिखे हुए जो शब्द है यथार्थ सत्य होगा और आपके लाइफ में वो सभी चीज़ें धीरे धीरे आपके पास आ जाएगी। दूसरा प्रयोग है कि इस तरह की परिस्थितियों में आप जितना नेगेटिव होंगे, जितना तनाव में जाएंगे, उतना राहु अपना प्रभाव आप पर छोड़ेगा। तो बहुत शांत रहने की आवश्यकता है। जब कोई काम नहीं बनता है तो हमें बहुत शांत रहने की आवश्यकता है। अपना आपा नहीं खोना है, हमें कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेना है, बिल्कुल शांति के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ना है, लोगों को सुनना है, समझना है, फिर आगे बढ़ना है। क्योंकि राहु की एक सबसे बड़ी खासियत होती है कि व्यक्ति को ब्लेम कर देते हैं और वो उठपटांग कदम उठाने के लिए आपको प्रेरित करता है। तो वो हमें नहीं करना है, कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है जो कि हमारी लाइफ में बहुत बुरा असर करे। इसलिए जितना शांत रहेंगे उतना बृहस्पति आपको पुश करेगा, और बृहस्पति जितना पुश करेगा उतनी चीज़ें आपकी लाइफ में बेटर होगी। तीसरा, गुरु मंत्र का जप, जो मैं हमेशा अपने हर एक वीडियो में आपके साथ साझा करता हूँ। चौथा है कि भगवान शिव के 3 वक्त अगर आप दर्शन कर पाएँ, सुबह, दोपहर, शाम, नहीं तो 2 वक्त और नहीं तो 1 वक्त। कोशिश करें 1 वक्त तो कम से कम करें। अगर 1 वक्त भी नहीं कर पा रहे हैं, सप्ताह में 1 दिन जरूर आप शिवालय जाएं, शिव मंदिर अवश्य रूप से जाएं, भगवान भोलेनाथ के पास बैठें, कुछ वक्त मंत्र जप करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। कुछ ही दिनों में आपकी लाइफ में बदलाव होगा।